वैसे तो हॉलीवुड मूवीज का हिंदी या दूसरे इंडियन लैंग्वेज में डब कर इंडिया में रिलीज करना कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो बहुत पहले से होता आ रहा है। पर आपने कुछ सालों से ये नोटिस किया होगा कि हॉलीवुड फिल्म प्रोडक्शंस, खास तौर से मार्वल, इंडिया में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है। यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी कि मार्वल अपना एक सुपर हीरो इंडियन बेस्ड भी बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए वो किंग खान यानी शाहरुख खान से बात कर रहे हैं। और ठीक मार्वल के ही राह में डीसी और आईडीडब्ल्यू भी चलते दिख रहे हैं। तो क्या एंटरटेनमेंट के लिए इंडिया एक इतना बड़ा मार्केट है? क्या आने वाले कुछ सालों में इंडिया सुपर हीरोज का हब बनने वाला है? इंडिया से इन फिल्मों को कितना फायदा होता है और कितना नुकसान, इन सारी बातों का एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग वीडियो अंत तक जरूर देखना दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये स्पेशल एपिसोड। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं पैसों से, मींस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, क्योंकि भाई पैसा ही तो है जो किसी को आने और जाने के लिए मजबूर करता है। तो 2008 में जब मार्वल ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की, तब उसकी पहली फिल्म आयरन मैन ने इंडिया से कमा कर दिया ओनली 9 करोड़ रुपीज। पर इस छोटे से कलेक्शन ने भी शायद मार्वल को एक बड़ा हिंट दे दिया कि भाई इंडिया को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, जिसका अंदाजा उन्हें 3 महीने बाद आई द इनक्रेडिबल हल्क से हुआ, जब थोड़ा एक्स्ट्रा प्रमोशन ने उन्हें 9 करोड़ से 13 करोड़ तक पहुंचा दिया, और ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही गया। 2012 में आई एवेंजर्स ने 70 करोड़ का कलेक्शन दिया। हालांकि अभी भी ये बॉलीवुड की सुपरहिट मूवी की कमाई से काफी दूर था, पर मार्वल ने भी यहाँ वही स्ट्रेटजी अपनाई जो अमेजॉन ने अपने बिजनेस को इंडिया में फैलाने के लिए किया था, मींस 3 साल तक नो प्रॉफिट ओनली इन्वेस्टमेंट। और इसी स्ट्रेटजी के तहत मार्वल ने अपनी मूवी न केवल हिंदी बल्कि ज्यादा से ज्यादा और भी दूसरे इंडियन लैंग्वेज में डब करना शुरू कर दिया। एवेंजर बने खातिर कोनो टेस्ट या इंटरव्यू वगैरह होखेला का? तू गली मोहल्ले में लोगन के मदद करे वाला स्पाइडरमैन बन रहा ना। उसके अलावा मार्वल ने हर वो टिकड़म भिड़ाया जिससे वो इंडियन फैंस के दिल में जगह बना सके, फिर चाहे वो मजेदार सोशल मीडिया पोस्ट हो या फिर क्रिकेट से रिलेटेड मीम्स। वैसे क्रिकेट से याद आया, आपको याद होगा कि पिछले आईपीएल के दौरान मार्वल ने एवेंजर्स का एक हिंदी थीम सॉन्ग भी निकाला था जिसे गाया था मिस्टर एआर रहमान ने। और इन सब का रिजल्ट ही था कि एवेंजर्स एंड गेम ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 400 करोड़ का कलेक्शन किया और बन गया मोस्ट सक्सेसफुल हॉलीवुड मूवी इन इंडिया। पर मार्वल के इंडिया में इस एग्रेसिव मार्केटिंग को देखते हुए कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो इतने में ही खुश होने वाले हैं, क्योंकि इतनी कमाई के बावजूद इंडिया अभी भी वर्ल्ड के टॉप 10 में नहीं आता। एशिया में भी हम चाइना, साउथ कोरिया और जापान जैसे कंट्रीज से काफी पीछे हैं। बॉक्स ऑफिस की तरह इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म का मार्केट भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसका फायदा दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स उठाना चाह रहे हैं। फिर नेटफ्लिक्स का इंडिया में भारी भरकम निवेश हो या मार्वल डिज्नी का कोलैबोरेशन कर डिज्नी प्लस लॉन्च करने का, कोई भी इंडिया जैसी इस हॉट मार्केट को चूकना नहीं चाहता। तो ये थी दोस्तों इंडिया से पैसा कमाने की बात। अब बात करते हैं इंडिया से पैसा बचाने की बात। जी हाँ दोस्तों, मार्वल के लिए इंडिया इस लिहाज से भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बात से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे कि इंडिया तेजी से VFX इंडस्ट्रीज के रूप में भी अपनी पहचान बनाता जा रहा है। आज के समय में इंडिया केवल USA और कनाडा के बाद ऐसा तीसरा देश है जहाँ सबसे ज्यादा VFX स्टूडियो है और सबसे ज्यादा VFX का काम होता है। दुनिया भर के बड़े से बड़े VFX स्टूडियो इंडिया में अपना ब्रांच खोलना चाहते हैं या तो अपना काम आउटसोर्स करना चाहते हैं। और इसका कारण है कि एक तो इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है, और दूसरा इंडिया में IT इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है जो कि काम की सुगमता के लिए काफी फायदेमंद होता है। और यही कारण है कि दुनिया भर के प्रोडक्शन हाउस लगातार इंडिया की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब अगर मार्वल की बात करें तो मार्वल फ्रेंचाइजी की ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जिसका काम इंडिया में ना हुआ हो। 2008 के आयरन मैन हो या 2019 का एंड गेम, हर मूवी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन जरूर रहा है। और न केवल मार्वल बल्कि हॉलीवुड की लगभग 80% मूवी में
इंडिया किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ ही रहता है। तो इन सब चीजों से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वर्ल्ड फेमस सुपर हीरोज के लिए इंडिया कितना इम्पोर्टेंट है। भले ही हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज के ऊपर समय समय पर नए नए इल्जाम लगाते रहते हैं, पर इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज ने दुनिया के सामने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इंडियन कलाकार अपने कला का प्रदर्शन बहुत से फॉरेन मूवी में दिखा चुके हैं। क्रिस्टोफर नोलान की लेटेस्ट मूवी टेनेट में इंडियन एक्ट्रेस डिंपल कापड़िया का रोल बहुत कुछ दर्शाता है। वैसे शायद आपको पता होगा कि मिस्टर नोलान अपनी फिल्म द डार्क नाइट राइजेस की शूटिंग भी इंडिया में कर चुके हैं। तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इस बढ़ते कद को शायद ही कोई इग्नोर करने की कोशिश करे। तो भाई अगली बार अगर आपको कोई मार्वल या डीसी के सुपर हीरो इंडिया के सड़कों में करतब दिखाते नजर आ जाए तो बिल्कुल भी शॉक मत होना, क्योंकि हो सकता है वो शूटिंग पे हो या फिर अपनी फिल्म के प्रमोशन में। वैसे हमने भी अपने आने वाले देशी सुपर हीरो के वीडियो का प्रमोशन स्टार्ट कर दिया है, जिसे आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर देख सकते हैं, और हमारे हाई बीपी मेंबर्स के साथ तो एक्सटेंडेड फुटेजेस और बिहाइंड द सीन फुटेजेस भी शेयर किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम जल्द ही हाजिर होंगे एक और नए और यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक कीप वॉचिंग और प्रीवियस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग इंडियन कॉमिक्स।